को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है, वो हम सबके सामने है और ये आप सभी युवाओं के लिए एक नया अवसर है। जब कोई आपसे पूछेगा कि आपकी नियुक्ति कब हुई तो आपको अपने नियुक्ति वर्ष को बताने और समझने में देर भी नहीं लगेगी, अब आसानी से कह पाएंगे जब 2023 में यह देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया था तब हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। एक अवसर है आपके पास, नियुक्ति पत्र अमृत काल के प्रथम वर्ष में, यानी 25 वर्ष की एक कार्य योजना आपके सामने। जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, इन 25 वर्षों के कार्यों की लेखा जोखा को आप में से बहुत सारे लोग तब तक अपने विभाग के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में रहेंगे, कोई हो सकता है कि अपनी सेवा को बढ़ाते हुए किसी प्रतियोगी परीक्षा में और दूसरे स्थान पर दूसरी जगह में जा सकता है। एक नया अवसर आपके पास, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म आपको सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और तब कैसा भारत आप चाहते हैं, कैसा भारत होना चाहिए? एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक सुरक्षित भारत। दुनिया के अंदर जिस भारत को दुनिया फॉलो करे, जिसके पीछे चले, जिस भारत के अंदर हर व्यक्ति के लिए पहली प्राथमिकता अपना देश होना चाहिए, व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारा देश होगा। नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हर व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करेगा तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे, लोग उससे प्रेरित होंगे, लोग उन बातों को समझेंगे और ईमानदारी से आपको इस दौरान कार्य करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करनी है। याद रखना, कनेक्ट सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की एक बड़ी भूमिका होती है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नए परसेप्शन के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। पहले लोग बोलते थे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, यहां तो दंगे होते हैं, यहां व्यवस्था होती है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां पर कार्य नहीं होता है, एक एक फाइल पड़ी रहती है। आज उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया है, आज उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल दिया है, ईज ऑफ लिविंग का एक मॉडल दिया है। मोदी जी ने जिन मुद्दों को विजन के रूप में लेकर के आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला राज्य है। और याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक कार्य, इसमें आपकी बड़ी भूमिका होगी। आप उसके नींव के पत्थर बन सकते हैं और उसका काम आप तो ज्यादातर ऑफिस ई ऑफिस में बदल रहे हैं। आज एक व्यवस्था भी आ गई है कि कोई फाइल 3 दिन से अधिक एक टेबल पे नहीं रहनी चाहिए, जो भी निर्णय लेना है फटाफट निर्णय लो, क्वेरी जो भी है एक बार में करो, बार बार नहीं, उसके साथ जवाबदेही भी तय हो रही है। लेकिन हम पहले दिन से तय कर रहे हैं
कि भाई मेरे पास फालतू तो कोई फाइल नहीं रहेगी, कोई भी बात हो अपने सीनियर से बातचीत करें, अपने बॉस से बातचीत करें, उनसे पूछ लें यह मामला इस रूप में आया क्या, इसमें वो करना फटाफट फटाफट निस्तारण करके आप आगे बढ़ा दीजिए, पेंडिंग मत रखिए। पेंडेंसी भ्रष्टाचार की एक कड़ी को जोड़ता है। बेमानी और भ्रष्टाचार जब घुन की तरह किसी व्यवस्था में लगता है, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवा नौकरी से सबसे पहले वंचित होते हैं। आज जब उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, कठोरता पूर्वक भ्रष्ट तत्वों पर कार्रवाई की गई, चयन की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवकों को नौकरी में स्थान मिल पाया है, अन्यथा 17 के पहले ये सब एक सपना था। कनिक सहायक की नियुक्ति होती थी, पता लगता था कि कोई प्रमुख सचिव, कोई मंत्री, उसके रिश्तेदार नातेदार, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सभी लोग लग जाते थे वसूली करने में। और फिर आप जाके देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हो जाते थे जिनको कोई भी उस विषय की जानकारी नहीं होती थी, जिनकी टाइपिंग 0 हुआ करती थी, जिनको अकाउंटेंसी का कोई जानकारी नहीं होती थी, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, वे सब चयन होते थे। और फिर आकर के क्या होता था, वो फाइल उसके समझ में कुछ आता ही नहीं, तो फाइल तो डंप रहना ही रहना था। अगर विभाग का अध्यक्ष थोड़ा संवेदनशील है तो फाइल को जैसे तैसे आगे बढ़ा देता था, अन्यथा वो डंप ही पड़ी रहती थी और फिर बदनामी प्रदेश की होती थी। रोजगार पाने से यहां का युवा वंचित होता था। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं गलत होती थी। कॉमन मैन प्रताड़ित होता था। सरकार की निगाह में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं, सरकार की निगाह तो एक है और वह है सबका साथ सबके विकास। हमारी दृष्टि एक है और वह सबके साथ और सबके विकास को लेकर के, हम उन्हीं भावनाओं को लेकर के कार्य कर रहे हैं और उस अभियान के आप हिस्से बनने जा रहे हैं। आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया, मेहनत करने के साथ आपने अपने को एक प्रक्रिया के साथ जोड़ा और आप तो कनिष्ठ सहायक के रूप में आप परीक्षा पास की। आपने पहले यहां पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होगा, एक व्यवस्था दे दी है। और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जब आपने परीक्षा दी, उस समय 37 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था। याद करिए, 37 लाख एक बड़ी संख्या होती है और उसमें भी पास ग्रेडिंग में प्रस्थान प्राप्त करने वालों की संख्या। फिर इस परीक्षा से गुजर करके आपने स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं आप सबसे यही अपेक्षा करूंगा, जो 240 लोग आप चयनित होकर के आए हैं, आपने आप में से एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि साहब मेरी चयन की प्रक्रिया में किसी ने मेरे साथ भेदभाव किया, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास पूरी सूची है। और अभी मैंने नियुक्ति पत्र भी जिन लोगों को उपलब्ध करवाया, इसमें अनुसूचित जाति के भी हैं, पिछड़ी जाति के भी हैं, महिला अभ्यर्थी भी हैं, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी भी हैं, यानी जो भूतपूर्व सैनिक जो आर्मी से रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने सफलतापूर्वक इस परीक्षा में भाग लेकर के सफलता प्राप्त की है, ऐसे भी इसमें हैं। और हर तबके के लोगों को इसमें मिला है और प्रदेश भर से लोग इसमें आए हैं। अभी आपने परसों सिविल यानी जजेस की परीक्षा परिणाम देखा होगा, प्रदेश भर से यानी मात्र 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा किया। उसमें वर्षों वर्षों लग जाते थे, क्योंकि जजेस की चयन की प्रक्रिया है, वर्षों लगते थे। परिणाम क्या था, कभी भी नियुक्ति पूरी नहीं होती थी, जजेज नहीं होते थे। मात्र 6 महीने के अंदर
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को किया और मैंने जब पूरे डाटा मंगवाए भाई कहां कहां के लोग चयनित तो हुए भाई दिखाओ थोड़ा सा देखते हैं आप आश्चर्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के 60 जनपद ऐसे थे जहां से कोई ना कोई अभ्यर्थी का चयन उसमें हुआ। अब वो समय गया जब एक गांव और एक जनपद से पैसा लेकर के नियुक्ति होती थी बाकी सब वंचित रह जाते थे। हमने कहा भी ये नहीं, अच्छी प्रक्रिया के साथ वो चीजें आगे बढ़ी और उसी पारदर्शी तरीके के साथ आपने देखा होगा अभी जब मंत्री जी कह रहे थे उन्होंने भी एक बात कही कि चयन की प्रक्रिया ये आयोग का विषय था, सरकार का उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया को उनको आगे बढ़ाना होता है और प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना, चयन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करना, जहां यह कार्य संपन्न होता है वहीं नियुक्त पत्र प्राप्त होने के बाद कहां पे कौन अभ्यर्थी जाएगा यह अभी मंत्री को भी नहीं पता और अपर मुख्य सचिव को भी नहीं पता, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल बना हुआ है, इस पोर्टल के माध्यम से मेरिट के आधार पर जहां जगह खाली है वहां पर उन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया गया। आपने देखा होगा मानवीय हस्तक्षेप किसी भी स्तर पर नहीं, कोई ये नहीं कह सकता ये मेरे गांव का है या कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जाति का है, कोई ये नहीं कह सकता ये फलाना जो है इसको इसके प्रति मेरी सहानुभूति है या इसकी सिफारिश फलाने ने की है, क्योंकि जब मानवीय हस्तक्षेप है ही नहीं तो इसमें सिफारिश की गुंजाइश भी नहीं है। वैसे ही जैसे नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है ऐसे ही आपको भी तय करना है, आपका काम मेरिट के आधार पर कार्य का निर्धारण करना है, पॉजिटिवली किसी कार्य को आगे बढ़ा देना है, उसको बार बार घिसने पिटने से नहीं होगा, अनावश्यक रूप से क्वेरीज लगाने से नहीं होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक यही चीज देखा जाता है, एक सरकार ने रिफॉर्म कितनी तेजी के साथ किए हैं और दूसरा आज की आवश्यकता के अनुरूप रिफॉर्म करना लेकिन साथ साथ फाइल कहीं अटके ना, सिंगल विंडो। पहले एक फाइल को घूमने में कितना समय लगता था वह 54 टेबल में जाता था, आप सोचिए अगर एक फाइल को एक टेबल में एक सप्ताह किसी ने रोक दिया तो 54 टेबल घूमते घूमते तो उसके दम निकल ही जाएंगे और यही होता था, आज उसको सिंगल टेबल कर दिया गया, किसी ने आवेदन किया जैसे आप एयरपोर्ट में जाते होंगे वहां पे लगेज की जांच करने के लिए एक इक्विपमेंट लगाया जाता, आपने एक जगह से लगेज भेजा अगली जगह आप उसको पकड़ लीजिए, ऐसे ही फाइल का हो गया है, उस फाइल को यहां से आवेदन किया और वहां से अपना पत्र लेकर के आगे बढ़िए, उद्योग लगाइए, इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने में। ये प्रक्रिया हमें अपने कार्यालयों में अपनानी पड़ेगी बिना भेदभाव के बिना किसी उसके, जो मेरिट के आधार पर है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर जी, और टेक्नोलॉजी ने इसको और आसान किया है। हम तो बार बार कहते हैं इस चीज को कि टेक्नोलॉजी ने कार्य को और आसान कर दिया है, आप सोचिए टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या कोरोना कालखंड में हम 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पूरे कोरोना कालखंड के अंदर ही नहीं आज भी उपलब्ध करा रहे हैं और कोई नहीं कह सकता कि किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या कहीं गड़बोली हो रही है, ये प्रक्रिया होती है, पारदर्शिता का उदाहरण है। 1 करोड़ परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन 1,000 रुपया हम देते हैं, एक क्लिक से उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, किसी बीच में मीडिएटर की आवश्यकता ही नहीं, कोई ये नहीं कह सकता। आज मुझे लोग मिलते हैं, मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में जाता हूं पूछता हूं, कोई भी आता है कोई बुजुर्ग महिला है निराश्रित है कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं पूछता हूं उनसे कि आपको पेंशन मिलती है, वो कहती है हाँ पेंशन मिलती है, मैं उससे पूछता हूं राशन कार्ड है, हाँ राशन कार्ड है, अगर आप दुकान में जाने में समस्या है तो क्या कोटेदार या सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर तक राशन पहुंचा देता है, वो कहती हाँ पहुंचाता है। ये
सरकार की मंशा साफ है, हमारी संवेदना एक गरीब के प्रति है, एक कमजोर के प्रति है, एक निराश्रित के प्रति है, हमारी संवेदना एक दलित के प्रति है, एक अति पिछड़े व्यक्ति के प्रति है, हमारी संवेदना किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कभी नहीं हो सकती, हमारी संवेदना किसी अपराधी और माफिया के साथ कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब बैरियर हैं, भ्रष्टाचार हो या किसी प्रकार की अराजकता, कोई अपराधी हो या माफिया, ये विकास के बैरियर हैं। इस बैरियर को हटाने के लिए सरकार चुनी जाती है और सरकार उन बैरियर्स को हटाती है, लेकिन अपनी संवेदना का पात्र एक गरीब को बनाती है, एक कमजोर को बनाती है, एक अति दलित अति पिछड़ी को बनाती है, किसी मुसहर बस्ती तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है, किसी पंटांग्या तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है, किसी थारू और किसी वनवासी बंधु तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है। गरीब गरीब है, उसकी कोई जाति किसी कोई मत और मजहब नहीं होता, वो तो उस तक उन योजना का लाभ मिलना है। और यही कार्य आप भी एक कनिष्ठ सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर सकते हैं। देखिए, शासकीय सेवा प्राप्त करना आज के दिन पर एक दुर्लभ कार्य है, और वह भी पिछले 6 वर्ष के अंदर तो जिस पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, बहुत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है, अच्छे लोग अब आ रहे हैं, अच्छी प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ रही है, और न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। सरकार ने आज के दिन पे हमारे युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, कभी नहीं हुआ। सरकार की योजनाओं की जानकारी उस टैबलेट और स्मार्टफोन में उपलब्ध करवाई जा रही है, बताया जा रहा है क्या 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 स्कीम है युवाओं के लिए, पीएम स्टार्टअप की योजना क्या है, पीएम स्टैंडअप की योजना क्या है, अनुसूचित जाति और महिला जो लाभार्थी हैं ये लोग कैसे इन योजनाओं के साथ जुड़ सकते हैं, प्रदेश की ODOP की योजना क्या है, डिजिटल इंडिया की स्कीम क्या है, पीएम मुद्रा की योजना क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार की योजना क्या है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना क्या है, मुख्य प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान क्या है, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला क्या है, पीएम स्वामित्व की योजना क्या है, पीएम स्वनिधि की योजना क्या है, ये सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उसके साथ दे करके कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है। और मुझे लगता है इन सब की जानकारी न केवल उन लोगों को बल्कि हर कर्मचारी को भी, हर अधिकारी को भी और हर नागरिक को भी होगी तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी। भ्रष्टाचार पनपता कब है? जब व्यक्ति जानकारी नहीं रखता कि स्कीम कौन सी है, तब कोई बीच का दलाल घुस करके उसमें घुन की तरह सेंध लगाने का प्रयास करता है और खोखला बनाता है पूरे सिस्टम को। हमें खोखला बनाने वाले इन तत्वों से व्यवस्था को बचाए रखना है, अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है, और इसीलिए आज मैं आपके साथ इस संवाद के कार्यक्रम में जुड़ रहा हूं। इसी पारदर्शी तरीके से 6 लाख से अधिक कर्मचारियों की अब तक नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ा है प्रदेश के अंदर, तो सरकारी सेवा में आए हैं। लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 1,61,00,000 से अधिक युवाओं के लिए MSME सेक्टर में भी हम लोगों ने द्वार खोले। यूपी के पास तो सबसे ज्यादा MSME यूनिट है, 96,00,000 MSME यूनिट, कितना पोटेंशियल है यूपी में। लोग कहते थे कोरोना कालखंड में जब 40,00,000 कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ आए, पूरा देश चिंतित था, लोग कहते थे अरे कोरोना से आप बचाएंगे लोगों को कि इन लोगों को देखभाल करेंगे। अरे हमने कहा उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो कहां जाएंगे ये लोग, हमें आने दीजिए, हम इनकी सबकी व्यवस्था कर लेंगे, उत्तर प्रदेश इनकी व्यवस्था करेगा। और
40 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी बस लगा करके उनके गांव और उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। और फिर मैंने हर एमएसएमई यूनिट से कहा, मैंने कभी जहां इनके लायक कार्य है इनको कार्य भी दे देना। कार्ड, राशन कार्ड बनाए गए, जिनको जो सुविधा हो सकती थी सरकार की तरफ से भी दी। परिणाम है, देखिए परिणाम कैसे आता है। आप पिछले 3 वर्ष की ग्रोथ स्टोरी को देखेंगे, जिस राज्य से ये लोग आए हैं जितने प्रतिशत वहां कम हुए हैं उतने नेगेटिव ग्रोथ वहां का रहा है, उस राज्य का रहा है, और जितना प्रतिशत यूपी में बढ़ा है उत्तर प्रदेश की उतनी पॉजिटिव ग्रोथ स्टोरी है। यानी ये चीजें दिखती हैं, हमारा मानव संसाधन हमारे लिए एक अवसर है और इस अवसर का उत्तर प्रदेश ने लाभ उठाया तो आज उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आज के दिन पे एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और उस सकारात्मक सोच के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकारी कार्मिकों की कि वे भी उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाए, मजबूती से समाज को लीड करें, बताएं, अच्छी योजनाओं की जानकारी दें, सकारात्मक बोलना शुरू करें। कोई व्यक्ति आपके कार्यालय में आएगा उससे पहले तो बातचीत करना बहुत अच्छे ढंग से। कोई आता है सब उसको बिठाइए, अच्छे शब्दों से बिठाइए। हो सकता है वो व्यक्ति जानकारी न रखता हो, गांव का व्यक्ति हो सकता है, विभागीय कोई कार्य से कोई व्यक्ति आया हो, आप बोल दीजिए उससे, भैया बैठिए क्या सेवा कर सकता हूं। वो बोलेगा मुझे जानकारी लेनी है। आपके पास जानकारी है ठीक, नहीं तो उसको बता दीजिए फलाने सेक्शन में आप जाइए, यहां से जानकारी आपको मिल जाएगी। या आपके बगल में है आप उनको बोल सकते हैं कि सज्जन आए हैं आप इनको फलानी इसकी जानकारी दे दीजिए। आपका यह व्यवहार उस एक मैसेज लेके जाएगा, सब बदलाव आया है। जैसे बदलाव उत्तर प्रदेश के बारे में आज हर व्यक्ति कहता है, सब उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में अब बिजनेस का माहौल है, उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश में आज एक अच्छी स्थिति की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। ये जो चेंज है इस चेंज के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, और उस परिवर्तन के लिए हम सबको अपने लिए तैयार होना, व्यवहार से शुरू करते हुए फिर जीरो पेंडेंसी की तरफ जाना, चाहे वह मैनुअल हो या ई फाइल हो। सीखे, सीखने से सब हो सकता है। मुझे लगता है जिसको मोबाइल फोन चलाना आता है, एक स्मार्टफोन जो चला सकता है, उसके लिए ई फाइल का संचालन कोई कठिन कार्य नहीं है। आसानी से सारे कार्यों में आप पारंगत हो सकते हैं। केवल 2-3 दिन थोड़ा प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए, और उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जीरो पेंडेंसी, भाई हम पेंडिंग नहीं रहने देंगे। आप लगातार अगर विभागीय आपके बॉस भी अगर नजरअंदाज करते हैं, आप अपने स्तर पर निस्तारित कर दीजिए, क्योंकि कल जवाबदेही की बात आएगी तो उस समय आप कम से कम कह तो देंगे कि भाई मेरे यहाँ तो फाइल 1 ही घंटे रुकी थी, मैंने तो भेज दी थी, फलाने व्यक्ति के पास अटकी हुई थी। तो दूसरे के पाप के बोझ आप अपने ऊपर क्यों आने देंगे, बहुत आने दीजिए। कोई बोलता है अपने पास जमा रखे, उसे कहो भी मेरे साइन करके आप इसको अपने पास ही रख लीजिए, क्योंकि कल जवाबदेही होगी तो उस समय ई फाइल में तो कोई छुपा नहीं पाएगा किस टेबल पे कितने दिन रही है फाइल, अब निस्तारण करके भेज दीजिए, वो देखेगा, उसके पास पड़ी रहेगी तो उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी। कम से कम आपके ऊपर तो कोई जवाबदेही नहीं आएगी। ये चीजें हमें एक स्वस्थ कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। 240 नए कार्मिक उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, प्रावधिक शिक्षा में और अल्पसंख्यक विभाग में। इन दोनों विभागों में आपकी सेवाओं से दोनों के विभागों की कार्य पद्धति में और गुणात्मक वृद्धि होगी, उसको हम तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी सेवाओं से उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विजन को प्राप्त करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।